कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के मौसम में खराबी के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है और यहां तक कि राजौरी में आए खानाबदोशों को भी इस मौसम का प्रहार झेलना पड़ा है। राजौरी के चटियार तहसील में रविवार को भूस्खलन से खानाबदोश लोगों को काफी नुकसान हुआ। इस हादसे में कई लोग मारे गए व कुछ को चोटें आई हैं। भूस्खलन से खानाबदोश लोगों के टेंट भी तहस नहस हो गए, जिससे अब उन्हें रहने के लिए काफी मुश्किलें सहनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि 2 और 3 नवंबर की मध्य रात्रि को थन्ना मंडी के अलाल मंगोटा में बादल फटने व बिजली गिरने से बकरवालों की लगभग 107 भेड़ बकरियां मारी गई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उन्हें मदद पहुंचाने का वादा किया गया था। जिला विकास आयोग मोहम्मद एजाज असद ने कल सोमवार को भूस्खलन से मारे गए लोगों के परिवार को 4 लाख और मामूली चोट वालों को 5,000 रुपए की पूर्व अनुदान राहत सहायता मंजूर की। घायलों को उनके इलाज के लिए रेड क्रॉस के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। सभी घायलों को कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद SDRF के तहत अधिक राहत राशि उपलब्ध कराई जाने की उम्मीद है। DDC ने थन्ना मंडी के अलाल मंगोटा में हुए हादसे से प्रभावित खानाबदोशों को 3,91,000 रुपए की मंजूरी दी है। वहीं DDC ने 9 वर्षीय शबीना कोसर की भूस्खलन में हुई मौत के लिए परिवार वालों से शोक व्यक्त किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इसके साथ DDC ने क्षेत्र में प्रभावित लोगों को तंबू उपलब्ध करवाया और हादसे में घायल हुए लोगों से जिला अस्पताल में उन्होंने मिलकर उन्हें मिल रहे उपचार का भी जायजा लिया। इस दौरान DDC के साथ ADC राजौरी शेर सिंह और ACR मोहम्मद अशरफ भी मौजूद थे। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।